बुलंदशहर में कोविड लेवल 2 अस्पताल बनाए जाने की कवायद जारी है। इसी उद्देश्य से जनपद के खुर्जा जटिया अस्पताल को कोविड लेवल 2 के लिए चुना गया, जिसका निरीक्षण करने जिलाधिकारी सरकारी अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीएम रविंद्र कुमार ने खुर्जा सीएमएस को निर्देश दिए हैं कि कोविड L2 अस्पताल बनाए जाने के लिए वार्डो में स्वास्थ्य विभाग के मानक अनुसार बेड को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाए। इसके साथ ही वार्ड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्शन, सुचारू विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, जनरेटर की व्यवस्था जैसी सभी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला बुलंदशहर में अभी तक कोई कोविड लेवल 2 अस्पताल नहीं बनाया गया था, जिस वजह से मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए शासन के आदेशानुसार जिला बुलंदशहर में कोविड L2 अस्पताल के लिए सभी तैयारियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद खुर्जा में भी कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज हो सकेगा। देखिए, अपने जनपद में, जनपद बुलंदशहर में कोविड लेवल 2 श्रेणी के अस्पताल नहीं हैं। इसी के बारे में आज भ्रमण किया गया है, पूर्व में भी किया गया था। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और मैन पावर के बारे में, वही एसेस किया गया है। एक 3 लोगों की टीम बनाई गई है, एक फिजिशियन है, एक यहाँ के CMS हैं और एक डॉक्टर की टीम बनाई गई है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें हैं, अब जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, वेंटिलेटर के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, पावर बैकअप है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका इवेल्युएशन करके शाम तक बताएंगे। और जो मैन पावर संबंधी है तो इसमें शासन से भी मदद मिल रही है और यहाँ भी जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग IME वाले से बात किए हैं। आज शाम में फिर मीटिंग है तो तदनुसार इसमें निर्णय लिया जाएगा। शासन की कोशिश है कि अपने ज़िले में भी लेवल 2 कोविड का हॉस्पिटल हो, ताकि लोगों को बाहर भेजना ना पड़े। धन्यवाद। आपको बता दें कि अनलॉक का दूसरा चरण चल रहा है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। अनलॉक 2 में भी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, धार्मिक कार्यक्रम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन की स्थिति 31 जुलाई तक बनी रहेगी। बात अगर देश की करें तो बीते 24 घंटे में 22,252 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 15,565 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 7 अप्रैल यानी आज तक की बात करें तो देश में मरीजों की संख्या 7,19,665 पहुंच गई है। इनमें से 4,39,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब भी 2,59,557 मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटे में 467 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के कारण 20,160 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।
एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।